हमारे सामने आज राहुल जी आपकी फौज खड़ी है। ये फौज वो है जिसने बुरे दिन देखे लेकिन कभी उनके मन में ये बात नहीं आई कि वो कहीं हमारा साथ छोड़कर लेकिन ये वो फौज है जिसने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपके साथ खड़े हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ खड़े रहेंगे। हमें चिंता इस बात की नहीं कि हमने अपने जीवन के कितने साल बिता दिए और हमने सत्ता नहीं देखी। हमें सिर्फ अगर हमारा लक्ष्य है और हमारा संकल्प है तो ये है कि हम भारत को टूट नहीं देंगे, भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। और जो उत्साह वर्धन हमारा आपने 3000 किलोमीटर चलकर आपने जो हमारा उत्साह वर्धन किया है और आपने ये संदेश दिया है कि राजनीति से उठकर भी लक्ष्य हुआ करते हैं। और जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी देकर बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था, इस देश की आजादी के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। और कल पूरी रात जगह जगह से उत्तर प्रदेश से दूर दूर से लोग यहाँ आए और सिर्फ एक ही बात उनके मन में थी कि हम आपके पीछे आपके साथ आपके नारे को लेकर चलेंगे। हम भारत को जोड़ने के संदर्भ में भारत को जो लोग तोड़ना चाहते हैं उनका विरोध करते हुए और हम चारों तरफ मोहब्बत का गीत गाते हुए मोहब्बत हम पहुंचाते हुए हम आएंगे। आप यहाँ आए हैं, हमारा उत्साह वर्धन हुआ है। हम संकल्प के साथ आपसे कहते हैं कि हम ना हारेंगे ना हम डरेंगे। आप हमें जो रास्ता है उस रास्ते पर चलकर हम मंजिल पर पहुंचेंगे और मंजिल पर पहुंचकर एक ही हमारे दिल में बात होगी और बात होगी वंदे मातरम, हमारा देश एक रहेगा। आइए मेरे भाइयों, अगर मन में ये भावना है तो आज राहुल जी को आज प्रियंका जी को बताइए आपकी ध्वनि में आपकी आवाज में क्या शक्ति है। उठा दीजिए अपने हाथ, हाथों हाथ उठाइए और कहिए राहुल जी हम होंगे। अब ताली से स्वागत करिए राहुल जी का और प्रियंका जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।